गुड इवनिंग, मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 13 अक्टूबर के करंट अफेयर देखेंगे। आपको इस चैनल पे 1 अगस्त से डेली करंट अफेयर सीरीज मिलेगा, आप सभी उसको देख सकते हैं और अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे करंट अफेयर के साथ साथ आपको बेसिक जानकारियां दिया जाता है, आप सभी उसको देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें। इसके अलावा आपको इस चैनल पे स्टैटिक्स जीके सीरीज भी चलता है। आप सभी इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको जो है अगस्त सितंबर उसके बाद अक्टूबर का भी करंट अफेयर मिलेगा। इसके अलावा आपको प्ले लिस्ट में स्टैटिक्स जीके सीरीज का भी जो है वो वीडियो मिलेगा, आप सभी उसको देखें और अपना तैयारी को जबरदस्त करें ताकि आपका परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा हो और आपका सफलता निश्चित हो। इसके लिए आप सभी तैयारी करें और आपका तैयारी अच्छा हो। इसके लिए हम जो है वो अच्छे अच्छे प्रश्न लाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आपको डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज में करेंट तो लाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आपको जो है वो सारी बेसिक चीज़ों को हमने बताया है। इसलिए आप सभी उसको देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई को करते रहे और अपना तैयारी आगे जो है वो जारी रखें। और इसी के साथ आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन प्लीज आप सभी जो है वो क्लास को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो ये सब ही करते रहे और अपना तैयारी भी करते रहे और क्लास को फॉलो करें। जितना पीछे वीडियो गया है उसको भी आप सभी बार बार देखते रहें, क्योंकि आने वाला जो भी आपको 1 से 2 साल के अंदर जो भी भर्तियां होगी उसमें आपको जो है वो बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो से रहेगा। इसलिए आप सभी इसको देखें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं और आपका जो है परीक्षा अच्छा जाएगा। और इसी के लिए आपके लिए मैं अच्छा अच्छा प्रश्न इस चैनल के माध्यम से आपको देता हूं। तो आइए जो भी आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो 1 नंबर में है कि विवाह पंजीकरण संशोधन बिल का संबंध अभी काफी चर्चा में है। विवाह पंजीकरण संशोधन बिल अभी कुछ ही दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो विवाह पंजीकरण संशोधन बिल लाया गया था, जिसके तहत काफी हंगामा हुआ था और इस बिल को अभी राजस्थान सरकार के द्वारा वापस लिया गया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए काफी चर्चा में हो गया। इसमें था कि जो भी बाल विवाह होता है उसका पंजीकरण कराने के लिए जो है वो सरकार के द्वारा ये विधेयक लाया गया था। तो इसमें देखा गया कि अगर ऐसे विधेयक पारित होता है तो फिर बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए ये काफी विवाद में रहा। और इसके बाद ये 11 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था उस अवसर पे इस बिल को वापस लिया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, इसलिए काफी चर्चा में रहा, काफी विवादित रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो है वो विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक राजस्थान सरकार के द्वारा वापस लिया गया। इसमें बाल विवाह से संबंधित पंजीकरण कराना था, जिसके लेकर बाल विवाह किसी का होता है तो उसके बाद जो तलाक होगा उसमें जो है पति के पति में पत्नी का अधिकार होगा, इसके लेकर ये विधेयक लाया गया था। लेकिन देखा गया कि इसमें जो है वो बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए सरकार के द्वारा ये वापस लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अभी वहां के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, आप ध्यान रखेंगे, और ये बिल को वापस लिया गया। तो ये काफी चर्चा में है, तो इसका संबंध किस राज्य से, तो राजस्थान से, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान सरकार जो इस बिल को वापस भी ले लिया है, ध्यान रखेंगे। अगला है 2 नंबर की दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किसने किया, यानी कि बिना चालक के रहित और सहित, सहित मतलब कि साथ में और रहित मतलब कि साथ में नहीं, यानी कि आपका स्वचालित चालक रहित यानी कि बिना चालक के ट्रेन का अनावरण किया तो किसने किया है, तो जर्मनी ने किया है। जर्मनी के हैम्बर्ग ने आपका पहला जो है वो स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया, ध्यान रखिएगा। ट्रेन का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, तो ट्रेन का नाम आपका जो है वो वर्ल्ड फर्स्ट है, वर्ल्ड फर्स्ट आपका ट्रेन का नाम है, बहुत वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेन का नाम, इसका अनावरण जर्मनी के द्वारा किया गया है, तो जर्मनी के द्वारा आपका पहली जो है स्वचालित चालक रहित ट्रेन चलाया गया, ध्यान रखेंगे, उस ट्रेन का नाम वर्ल्ड फर्स्ट है। अगला प्रश्न है कि पामेला अभी काफी चर्चा में, पामेला शब्द इसका संबंध किससे है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ध्यान रखेंगे, उष्णकटिबंधीय जो है वो चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है पामेला, ध्यान रखेंगे, पामेला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अभी एक आया था गुलाब, आप देखे थे जिसका नाम पाकिस्तान गुलाब दिया था, तो वो भी आपका जो है चक्रवात था, ये भी आपका पामेला जो है वो चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये आया है आप
आपको ध्यान रखेंगे मैक्सिको में ये चक्रवात आया है, और देखेंगे तो कौन से महासागर, तो प्रशांत महासागर में आपका जो है वो पामेला चक्रवात आया है, मैक्सिको को प्रभावित किया है, और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 28वां स्थापना दिवस मनाया गया, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया कब, तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो 12 अक्टूबर को इसका 28वां स्थापना दिवस मनाया गया है, किसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ये आपका जो है इसके अध्यक्ष अभी कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, तो अरुण कुमार मिश्र है, ध्यान रखिएगा अरुण कुमार मिश्र इसके अध्यक्ष हैं। अरुण कुमार मिश्र अध्यक्ष है, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका दिल्ली में है, और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है ध्यान रखिएगा, जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र या कोई भी अध्यक्ष बनते हैं तो उनका कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल इनका जो है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 70 वर्ष की आयु तक, बहुत ही क्वेश्चन है ये, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक ध्यान रखेंगे, यानी कि जो पहले पूरेगा, अगर 3 वर्ष पहले पूरता है तो 3 वर्ष पे ही रिटायर कर जाते हैं, अगर 70 वर्ष पहले पूरेगा तो 70 वर्ष की आयु में वो रिटायर कर जाएंगे, तो इस तरह से इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, ध्यान रखेंगे। काफी वीवीआई प्रश्न है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आपको जो है वो करेंट ये था, लेकिन आपका जो बेसिक चीज ये है, तो बेसिक चीज को भी इस चैनल के माध्यम से हम बताते हैं, इसलिए आप सभी बेसिक जानकारियां को लेकर इस चैनल के माध्यम से आप सभी सीखें, सीखने की प्रयास करते रहें। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को हर वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार आयोग की 28वां स्थापना दिवस मनाया गया कब, तो 12 अक्टूबर को, इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1993 में, अध्यक्ष अभी कौन है, तो अरुण कुमार मिश्र, ध्यान रखेंगे। मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है जस्टिस राजेश बिंदल का संबंध, चर्चा में है राजेश बिंदल, अभी हाल ही में जो है 8 राज्यों के जो है चीफ जस्टिस बनाया गया है 8 लोगों को, उसी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राजेश बिंदल को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं ये राजेश बिंदल को, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो भारत के सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, अभी भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट है, सबसे नया हाईकोर्ट तेलंगाना हाईकोर्ट है, तो 25 हाईकोर्ट है और सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि WHO के रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रतिदिन प्रति मिनट लोगों की मृत्यु हो रही है, यानी कि WHO एक रिपोर्ट पेश किया है जिसके अनुसार कहा गया है कि वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, तो इसमें बताया कि 13 लोगों का, समझिए कि पर मिनट 13 लोगों की मृत्यु किससे हो रही है, तो वायु प्रदूषण के वजह से हो रही है, यानी कि अभी विश्व में जो है वायु प्रदूषण से प्रति मिनट 13 लोग का जान जा रही है। WHO का मुख्य स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1948 में WHO की स्थापना हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका जिनेवा में है, ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिक प्रश्न था, तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे, प्रति मिनट 13 लोग मर रहे हैं, समझिए वायु प्रदूषण से, वायु इतना प्रदूषित हो रही है, तो इसलिए इसके लिए जो है वो हर लोगों को कदम उठाना चाहिए, तो आपको जो है अपने वायु को स्वच्छ रखना है, इसलिए वृक्षों को लगाना है, इसलिए आप सभी वृक्ष लगाते रहें, क्योंकि वृक्ष का मेरे ऊपर ऋण है और उस ऋण को पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए अपने कर्तव्य को भी पूरा करते रहें, वृक्ष लगाएं। देश का अगला प्रश्न है कि देश का मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है, देश का मेंटर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार जो है वो केजरीवाल के द्वारा आपका जो है वो देश का मेंटर कार्यक्रम शुरू किया गया, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, तो सोनू सूद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, देश के मेंटर कार्यक्रम दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या
जो है उद्देश्य है देश का मेंटर कार्यक्रम का, तो सरकारी स्कूल के बच्चे को बेहतर भविष्य हेतु सफल व्यक्ति से मार्गदर्शन, यानी कि सरकारी स्कूल के जो भी बच्चे हैं उनके बेहतर भविष्य के हेतु कोई भी जो है वो सफल व्यक्ति वो गोद लेकर उसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो आपका ये लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा, देश का मेंटर कार्यक्रम दिल्ली सरकार के द्वारा ये आपको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका शुभंकर किसको बनाया गया, तो शुभंकर इसका जो है ईवा है, ईवा। अभी देखे थे कि मुइराई तोबा टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था, सोमाइटी टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर था, तो ईवा जो है आपका अंडर 17 महिला विश्व कप का जो है शुभंकर ईवा है, इसका अर्थ होता है आपका एशियाई शेरनी इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा एशियाई शेरनी ईवा का अर्थ होता है, और यही ईवा जो है वो शुभंकर है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का, इसको इस शुभंकर को जारी किया है फीफा ही, ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, तो इसका आयोजन आपका जो है वो भारत में ही होने वाला है, ध्यान रखिएगा भारत में इसका आयोजन होने वाला है। अगर फीफा वर्ल्ड कप देखा जाए इसका संबंध जो है वो किस कल से होता है, तो फुटबॉल से, ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछता है कि फीफा कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, तो कतर में होगा, ध्यान रखिएगा कतर दोहा में है, तो जो है वो कतर में इसका आयोजन होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे आप। अभी जो है वो कल हम बताए थे कि 2036 का जो है वो ओलंपिक की संभावना भारत में है, भारत के मोटेरा स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर इसका उद्घाटन किया जाएगा, ऐसा जो है वो हमारे जो भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा जिनके द्वारा ये कहा गया है, ध्यान रखें। कल हम पूरा जो है वीडियो में बताए थे, इसलिए बार बार कहते हैं कि पीछे वाला वीडियो आप सभी देखते रहें। अगला है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कि त्रिशूल और गरुड़ का संबंध, और मत मार दीजिएगा कि शंकर भगवान के त्रिशूल है, तो ये त्रिशूल और गरुड़ का संबंध जो है किससे है, तो ये आपका संबंध मालगाड़ी से है, मालगाड़ी है, ये ट्रेन है आपका मालगाड़ी जो कि त्रिशूल और गरुड़ है, इसका संचालन किसने किया है, तो इसका संचालन दक्षिणी मध्य रेलवे के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा दक्षिणी मध्य रेलवे के द्वारा त्रिशूल और गरुड़ मालगाड़ी ट्रेन का जो है वो संचालन किया गया है, और दक्षिणी मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो सिकंदराबाद है, ध्यान रखिएगा सिकंदराबाद इसका मुख्यालय है, और इसी के द्वारा आपका त्रिशूल और गरुड़ का जो है वो संचालन किया गया। इसमें है कि जो है ये कोयले को जो भी थर्मल पावर जहां से बिजली का उत्पादन होता है वहां तक जो है वो ट्रेनों के द्वारा कोयला पहुंचाया जाएगा, तो इसलिए मालगाड़ी का इसका इसकी लंबाई जो है वो सामान्य मालगाड़ी से लगभग 3 गुना जो है लंबा है, तो इसका संचालन दक्षिणी मध्य रेलवे के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि त्रिशूल और गरुड़ क्या है, तो एक मालगाड़ी है जो कि दक्षिणी मध्य रेलवे के द्वारा संचालन किया गया है, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो सिकंदराबाद में, ध्यान रखेंगे। अगला है कि तेजस्विनी पहल का संबंध किससे है, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा, ध्यान रखिएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा तेजस्विनी पहल का शुरुआत किया गया, ये महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है वो तेजस्विनी पहल शुरू किया गया है, महिला जो है वो सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तेजस्विनी पहल का शुरुआत दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। अगला है कि विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से आज के जो है वो शुभ शुभ 11 प्रश्न थे, तो हम सभी उसको देखें, आप सभी इसको अच्छा से देखें और अपना तैयारी को जो है वो अच्छा करें, और इसको जो है आपको जब तक अच्छा ना हो तब तक आप सभी देखते रहें, और पीछे के भी मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी वीडियो को रिवाइज करके देखते रहें ताकि आपका तैयारी अच्छा होगा, इसलिए आप सभी पीछे का वीडियो अवश्य देखें, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपकी तैयारी बेहतर होगी तो आपकी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन होगा और आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, इसलिए आप सभी देखें और अपना तैयारी को बेहतर करते रहें। ये ना सोचे कि सिर्फ करेंट है, इसमें आपको बेसिक जानकारियां दिया जाता है, इसलिए आप सभी इसको देखते रहें, और साथ साथ जो भी पीछे स्ट्रेटेजी के हो, करेंट डेली करेंट अफेयर सीरीज हो, ये सब भी अपना देखते रहें और तैयारी बेहतर करते रहें, और
जो है पर्व का भी इंजॉय करें, लेकिन पढ़ाई साथ साथ होते रहना चाहिए, दोनों करते रहें, और जो है वो अपने भविष्य को जो है अच्छा बनाने के लिए इसको साथ साथ लेकर चलना है। इसलिए आप सभी जो है वो तैयारी करते रहें, और जो है आज यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप सभी प्लीज इस क्लास को शेयर करते रहें।